हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम टू परचम क्लासेस। और आज का हमारा जो बर्निंग इशू है वो है टेंशन इन ओपेक प्लस। अच्छा, आप लोग ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओपेक का नाम सुना होगा, लेकिन हो सकते हैं कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हो जो ओपेक प्लस के बारे में नहीं जानते हैं। तो उनकी हाल ही में एक मीटिंग चल रही है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, टेंशन देखने को मिलेगी। तो वही आज हमारा बर्निंग टॉपिक है कि क्या टेंशन चल रही है, क्यों आपके ऑयल प्राइस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बीच में चीज़ें हो रही हैं, और क्या यहाँ पर एग्रीमेंट है जिस पे UAE साइन करने से मना कर रहा है। तो वो सारे टेंशन आज के चैप्टर में हम सीखेंगे। तो आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, टेंशन इन ओपेक प्लस। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसके पहले मैंने डिलिमिटेशन और भी काफ़ी सारे मुद्दों पे बर्निंग टॉपिक कवर किए हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रही आज की क्लास की PDF की बात, तो हमारे जो परचम का एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे आपके साथ आपके दोस्तों तक ये बात पहुँचे कि क्या टेंशन है। और काफ़ी सारे स्टैटिक पॉइंट्स को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलना है। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अगर न्यूज़पेपर स्टडी करते हैं तो आप लोग ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि यहाँ पर देखिएगा ये प्राइस को लेकर या फिर UAE के हायर कोटा को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। और अभी हाल ही में ओपेक और ओपेक प्लस के जो मेंबर हैं उनकी मीटिंग चल रही है बाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि अभी कोविड के समय ऐसा फिजिकली मीटिंग नहीं कंडक्ट हो सकती, इसलिए बाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग चल रही है, जहां पर UAE डिमांड कर रहा है हायर कोटा की। अब वो ये हायर कोटा क्यों चाहता है, क्या डिमांड है उसकी, और क्यों UAE साइन करने से मना कर रहा है, तो आइए इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेना चाहिए कि ओपेक है क्या। तो बेसिकली देखिएगा, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। हमारे पास कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनके पास क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे देशों का जो संगठन है, जो ग्रुप है, वो ओपेक कहलाता है। ठीक है ना, हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में यही कंट्रीज जो है वो ऑयल मतलब क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं और उसको एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं। अब देखिएगा, ये सारा जो कार्यक्रम होता है ये आपका डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई करनी चाहिए। अगर डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई है तो ऑयल के प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ज़रा सोच के देखिए ना, अगर सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है तो भी मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो डिमांड और सप्लाई पे होता है कि हमको कितना प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का करना है, किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, और ये जो क्रूड ऑयल का आपने प्रोडक्शन किया है इसका कॉस्ट क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा। तो ये ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैठकर इसी बारे में डिस्कशन करता है कि क्रूड ऑयल के रेट क्या रहेंगे, कितना क्रूड ऑयल एक साल में प्रोड्यूस किया जाएगा डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंट्री उसने ज़्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर लिया है या दूसरी कंट्री जिसने कम किया है, या सब अपनी मनचाही कीमतें लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं 100 रुपये में क्रूड ऑयल बेचूंगा तो दूसरा कह रहा है मैं 120 रुपीज़ में क्रूड ऑयल बेचूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को इक्वल प्रॉफिट मिलना चाहिए और जो कीमतें होती हैं प्राइस की वो मेनटेन रहें, इसलिए यहाँ पर इस ओपेक संगठन को बनाया गया है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टर कंट्री जैसे कि भारत भी तो इम्पोर्ट करता है ना क्रूड ऑयल को, तो ऐसा नहीं कि दूसरे देशों पे बर्डन आए। तो ये सारी बातें इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड की जाती है, और हर साल इन लोगों की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस क्या रहेंगे और एक साल में कितना क्रूड ऑयल यहां पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये ओपेक जो संगठन है बेसिकली फाइव फाउंडर कंट्रीज के द्वारा इस ओपेक संगठन को कहां बनाया गया था, बगदाद में 1960 में। अच्छा, ये फाउंडर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेड ऑफिस मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंटली कितने मेंबर ओपेक में हैं। तो आपने देखा कि 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, और प्रेजेंटली ओपेक में कितने मेंबर हैं ये बात आपको कमेंट में हमको बतानी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मेंबर कंट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री। तो 1960 में आपने देखा कि फाउंडर मेंबर्स थे, उसके अलावा कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, UAE, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गबन, अंगोला, गिनी और कॉन्गो, ये सभी भी जो है वो यहाँ पर मेंबर कंट्री के रूप में आए और ओपेक में शामिल हुए।
पर क्या ये सभी लोग आज भी ओपेक के मेंबर हैं? तो आंसर है नो। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि कुछ कंट्री जो है वो ओपेक से मेंबरशिप को उन्होंने खत्म कर दिया है। तो आपको बताना है कितनी कंट्री है ओपेक में अभी रिसेंटली, जल्दी से आंसर करेंगे और बिल्कुल सही आंसर आपको अभी अगली स्लाइड में मिल जाएगा, ठीक है? देखिएगा, इक्वाडोर की बात करते तो अभी रिसेंटली 1 जनवरी 2020 की घटना है, आपका ये करंट अफेयर्स बन सकता है। तो इक्वाडोर ने जो है वो ओपेक की मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया है, अब इक्वाडोर जो है वो ओपेक का मेंबर नहीं है। इसके अलावा अगर आप इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया ने भी 171st जब मीटिंग हुई थी ओपेक की, कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 30 नवंबर 2016 में, 30 नवंबर 2016 में जब ये मीटिंग हुई थी तो इंडोनेशिया ने भी अपनी मेंबरशिप को ख़त्म कर लिया था। तो देखिएगा, इक्वाडोर ने मेंबरशिप ख़त्म कर ली, इंडोनेशिया ने भी मेंबरशिप ख़त्म कर ली। इसके अलावा गबन की बात करें तो इसने मेंबरशिप को ख़त्म किया था लेकिन वापस से रिज्वाइन कर लिया ओपेक, 2016 में वापस से ओपेक को ज्वाइन कर लिया था गबन ने। लेकिन अगर कतर की बात करें तो कतर ने भी मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया है 1 जनवरी 2019 में। तो आप देख सकते हैं इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर, ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ओपेक की मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया। तो रिसेंटली या प्रेजेंटली 13 मेंबर जो हैं वो ओपेक में काम कर रहे हैं। बात क्लियर हुई। अभी जो ओपेक की कंट्री हैं ये पूरे वर्ल्ड का 43.5% ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। अब इन ओपेक कंट्री के अलावा कुछ और भी ऐसी कंट्रीज हैं जो ओपेक का मेंबर नहीं है लेकिन उनके पास क्रूड ऑयल है और वो भी क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसी कंट्री जो ओपेक का मेंबर नहीं है लेकिन क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है क्रूड ऑयल का, ऐसी कंट्रीज को हम ओपेक प्लस के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो ओपेक प्लस कंट्रीज जो है उसमें देखिए कौन कौन इंक्लूड है, अजरबैजान, बहरीन, बुर्नोई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान, ये सभी ओपेक प्लस के मेंबर हैं। बात क्लियर। तो ओपेक और ओपेक प्लस जो है वो पूरी दुनिया का 56 से 57% जो है वो ऑयल को प्रोड्यूस करता है। इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या हुआ। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने कहा कि मीटिंग में ये लोग डिसाइड करते हैं कि कितना बैरल ऑयल प्रोड्यूस करना है। अब कोविड-19 हुआ, जब कोविड-19 आया तो पूरी दुनिया में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, फैक्ट्री थी, कारखाने थे, वो सब स्टॉप हो गए, है ना? तो कोविड-19 के समय काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला प्राइस में भी, और काफ़ी ज़्यादा अप डाउन आपको प्रोडक्शन में भी देखने को मिला क्योंकि कोविड-19 के समय सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप हो गई थी, सारे कारखाने इंडस्ट्रीज स्टॉप हो गई थी। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ, अचानक से सब डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ गई, क्योंकि किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, मशीनरी को रन करने के लिए आपको क्रूड ऑयल की ज़रूरत होती है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, कैरोसिन हो, राइट? तो अचानक से जब लॉकडाउन ओपन हुआ, इकोनॉमी वापस से ओपन हुई, तो क्या हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जब डिमांड तो बढ़ गई लेकिन जब प्रोडक्शन था वो तो कम ही है ना, प्रोडक्शन क्योंकि आपने कोविड-19 के समय कम कर दिया था, और अभी अचानक से जब इकोनॉमी ओपन हुई है और सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन आपके पास प्रोडक्शन बहुत कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है तो आपके प्राइस के रेट भी बढ़ जाएंगे। तो अभी आप प्रेजेंटली देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इसके प्राइस भी आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। मतलब कोविड-19 के समय $20 पर बैरल तक यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिलेगा, लेकिन जब से इकोनॉमी ओपन हुई तो $75 यहाँ पर बैरल ऑयल के प्राइस पहुँच चुके हैं। तो इसी सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से हमें सप्लाई करनी है, प्रोडक्शन करना है, क्या रेट होंगे, इसलिए यहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट की जा रही है। ये मीटिंग 1 जुलाई को स्टार्ट हुई थी 2021 में बाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लगातार अभी इतने दिनों से, 4-5 दिनों से लगातार ये मीटिंग हो रही है लेकिन अभी तक कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, रिजल्ट नहीं निकला। रीज़न है यूएई। यूएई ने जो भी यहाँ पे मसौदा तैयार हुआ, जो भी ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार हुआ है, उस पे साइन करने से मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है, क्या रीज़न है, वो हम देख लेते हैं। आपको याद रखना है कि 18 नंबर की ये कॉन्फ्रेंस है, ओपेक और नॉन ओपेक मीटिंग कंट्रीज़ की मीटिंग है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, इस मीटिंग में रफली कहा गया कि 2 मिलियन बैरल पर डे हम अगस्त के एंड तक जो है वो क्या करेंगे, ऑयल को, क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज़ बोलती हैं कि ये जो हमारी कटौती हुई है, जो हम क्रूड ऑयल का कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में अप्रैल तक कंटिन्यू रखते हैं। ऐसा सभी ओपेक मेंबर का कहना है, लेकिन यूएई इस बात के लिए तैयार नहीं है। यूएई का कहना है कि हमारी पूरी इकोनॉमी क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है
और पिछले 2 सालों से 1/3 से ज़्यादा हमारा यहाँ पर स्टॉप है, मतलब केवल हम बहुत ही कम अमाउंट जो है क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा कम थी, और आपने हमारी सप्लाई को या हमारी डिमांड को या हमारे कोटा को एक्सटेंड किया बिना आपने नया ड्राफ्ट बना दिया। हम चाहते हैं कि हमारा जो कोटा है वो भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिससे हम ज़्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस कर सके और हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हो सके। लेकिन यहाँ पे ओपेक के जो बाकी सारे मेंबर हैं यूएई के अलावा, अभी यहाँ पे जो ड्राफ्ट बनाया गया है कि जो कटौती हुई है क्रूड ऑयल में वो अप्रैल 2022 तक एक्सटेंड होगी, बाकी सभी लोग तैयार हैं एक्सेप्ट यूएई। इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट है या कॉन्ट्रोवर्सी है ये आपको सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में देखने को मिलेगी। क्या रीज़न है, आप देख सकते हैं यूएई ये टोटल कैपेसिटी का 64% ही प्रोड्यूस कर रहा है पिछले 2 सालों से। क्यों? क्योंकि COVID-19 का क्राइसिस चल रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया जो है वो 74% टोटल कैपेसिटी का प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप और भी कंट्री देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 64% जो है वो यूएई का है कोटा। अब ये यूएई यही कह रहा है कि हमारा कोटा बढ़ा दो, ठीक है ना, हमारा कोटा बढ़ा दो जिससे मार्केट से हम भी जुड़ सकें, हमारा क्रूड ऑयल भी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो, हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हो, ऐसा यूएई का कहना है। इसलिए उसने उस ड्राफ्ट पे साइन करने से मना कर दिया। बात क्लियर हुई? तो ये बेसिकली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो खाड़ी देश होते हैं, जो अरब कंट्री हैं, आप सभी लोग जानते हैं, वहाँ पर आपको क्रूड ऑयल देखने को ज़्यादा मिलेगा और उनकी सारी की सारी इकोनॉमी जो होती है वो क्रूड ऑयल पे ही डिपेंड करती है। तो बेसिकली ये यहाँ पर टेंशन आपको देखने को मिल रही है। अगर हम top 10 कंट्रीज़ की बात करें ऑयल प्रोडक्शन में, तो सबसे ऊपर आता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये पूरे वर्ल्ड का 16% जो है वो USA के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है आपका क्रूड ऑयल का, तो आपका आंसर हो जाएगा USA। ओके, चलिए, अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपके लिए लिए हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है, जैसे कि बैरल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया था, तो मैं आपको बता दूँ कि एक बैरल बराबर जो है वो 159 लीटर होता है। तो इस बात को याद रखना, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी किया गया है, 1 barrel = 159 liter, क्योंकि जब हाई ज़्यादा क्वान्टिटी में किसी लिक्विड को प्रोड्यूस किया जाता है तो हम उसको बैरल में काउंट करते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें। और एक बैरल जो क्रूड ऑयल होता है उससे लगभग 40-70 लीटर हम पेट्रोल रिफाइन कर पाते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए या क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, ये आपका साइंस का प्रश्न रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चर्चा हुई थी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। बेसिकली जो ओपेक प्लस का गठन हुआ है या ओपेक प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन बना है वो IEA के द्वारा ही बनाया गया है। अभी IEA क्या है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसी को आगे चल के आप ओपेक प्लस कहते हैं। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। अगर भारत की बात करें कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में कब भारत जुड़ा, तो आंसर हो जाएगा 2017 में एंट्री की थी भारत ने। और सबसे लास्ट वाला जो मेंबर है, 30th नंबर का मेंबर, वो कौन है, मैक्सिको है, 2018 में उसने एंट्री की थी। और पहला अगर कंट्री की बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की पहली मेंबर कंट्री जो है वो लेटिन अमेरिका है। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रोवर्सी जो भी हो रही है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे यूएई साइन नहीं कर रहा है उस ड्राफ्ट में, ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। तो आज का क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, ऑन 1 July 2021 विच ओपेक मीटिंग वॉज कंडक्टेड। अभी हाल ही में जो ओपेक मीटिंग चल रही है वो किस नंबर की ओपेक मीटिंग है, 180, 179, 181 या इनमें से कोई नहीं। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। हम वापस से मिलेंगे आपसे अपने नए बर्निंग इशू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।